ये वाला रास्ता दरबार शरीफ को आता है सामने, और एक दरबार इधर है शाहरुख ने आलम का, और ये सामने बहाउद्दीन जिक्रिया का दरबार शरीफ है। तो यहाँ पे चलते हैं और आपको दरबार शरीफ के अंदर आ चुका हूँ। ऊपर सुकून माहौल है और यहाँ पे कबूतर वगैरह भी हैं और बहुत ही खूबसूरत मंजर है। अली इमाम मनस को मन में गुलाम अली हजारे जान की रामी पिदाए नामे अली 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 मौला अली। अभी मैं पार्क में आ चुका हूँ, साथ ही पार्क है, बहुत खूबसूरत पार्क है, ठीक है, बहुत यहाँ पे फूल्स हैं। अगर आप थक वगैरह जाएं तो यहाँ पे आके बैठ सकते हैं, थोड़ी सी चहलकदमी कर सकते हैं। गैलरी की तरफ आ गया हूँ, साथ ही आर्ट गैलरी है, वो भी आप देख लें अगर आए हैं। ज़्यादा कुछ तो है नहीं यहाँ पे, ओल्ड जो कल्चर है हमारा उसकी पिक्चर वगैरह लगी हुई है, ये देखें सामने। ये देखें कहाँ कहाँ पे दरबार है और कहाँ पे गेट है, क्या सीन है, सारा कुछ है। गाड़ियाँ भी खड़ी की हुई है अंदर। ऊपर आ चुका हूँ आर्ट गैलरी के, ये आर्ट गैलरी के ऊपर वाली जगह है, ये देखें बहुत ही सामने घंटाघर है, और ये साथ ही आर्ट गैलरी इधर से आना चाहे इधर से भी आ सकते हैं, दूसरी साइड से भी आप आ सकते हैं। अभी मैं मुल्तान के घंटाघर में खड़ा हुआ हूँ क्लॉक टावर में, और पीछे मज़ार भी है, और ये देखिए ये घंटाघर है आपको सामने नज़र आ रहा हूँ, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ।
आज मैं कराची जा रहा हूँ, सारा सफ़र आपके साथ शेयर करूँगा। अभी मैं खान बेला में हूँ। खान बेला जो टूल प्लाजा है वो क्रॉस किया है और बहुत ही अच्छी जगह मिली, और अभी मैं यहाँ पे रुका हुआ, थोड़ी सी रेस्ट कर रहा हूँ, तो फिर इंशाल्लाह यहाँ से निकल जाऊँगा। बहावलपुर भी मैंने पीछे छोड़ दिया और अहमदपुर शिरकिया वो भी पीछे है, तो अभी मैं खान बेला में आ चुका हूँ। तो इंशाल्लाह आगे हमारा काफ़ी सफ़र पड़ा हुआ है अभी, तो सारा आपके साथ शेयर करूँगा, तो साथ जुड़े रहिएगा, बहुत मज़ा आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने पंजाब क्रॉस कर दिया है और सिंध की हदूद में दाखिल हो गया हूँ। यहाँ पे बॉर्डर है, बॉर्डर आप क्रॉस करते हो, चेक वगैरह करते हैं, फिर आप सिंध में आ जाते हो। और अभी मैं जा रहा हूँ, तो आपको माहौल भी दिखाता हूँ। अभी ये देखें, ये अभी रोड है और मैं थोड़ा सा नीचे आ गया था। ये इधर से मैं आ रहा हूँ और इधर को मैं जा रहा हूँ अभी, ये वाली रोड। अभी मैं चाय पीने के लिए रुका हूँ। अभी सखर 20 किलोमीटर रहता है, तो इंशाल्लाह सखर पहुँच जाएंगे। हैदराबाद मैंने जाना है और कराची जाएंगे, और हो सकता है हैदराबाद रुकूँ या फिर सीधा कराची ही निकल जाऊँ, रुकूँ ही कहीं ना। और अभी मैं चाय पीने के लिए रुका हूँ, बहुत ही अच्छी जगह है, PSO का पेट्रोल पम्प है, यहाँ पर रुका हुआ हूँ, चाय पीने लगा हूँ। और चाय पीऊँगा, थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी, फिर इंशाल्लाह अपना सफ़र फिर शुरू करेंगे। ये अभी चाय आ गई है, ये देखे काफ़ी अच्छी जगह है और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, चाय वगैरह पी रहे हैं। और वो पेट्रोल पंप है सामने, वो सामने पेट्रोल पंप है। और इधर ये छोटी छोटी सी शॉप बनी हुई है, यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी आपको, यहाँ पे बैठें और चाय पिए और इंजॉय करें। होटल भी है इधर, आपने खाना 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 भी खा सकते हैं, मिल जाएगी आपको, जूस भी मिल जाएगा। यहाँ पे बैठने के लिए भी जगह काफ़ी ज़्यादा है, आप सुकून से बैठ के कोई चीज़ भी खा रहे हैं। सक्कर आता है, फिर हैदराबाद आता है, हैदराबाद में मुझे रात हो चुकी थी, वहाँ पे मैं रुका नहीं। अभी मेरे पीछे बैरियर टोक है, कुछ
इस रास्ते से मैं आया था, ये वाला जो रास्ता है, इस रास्ते से मैं अभी कराची जा रहा हूँ। ये सामने बहरिया टाउन है,